गुड इवनिंग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ आवर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशनल ट्यूसडे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसने फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग को एक नया माइलस्टोन दिया और इसकी मीनिंग को एक वाइडेंड होराइजन पे लेकर के गया, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स में एक ऐसा चेंज आया, एक मीनिंग में ऐसा चेंज आया कि उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस निकले और बहुत सारे ऐसे जजमेंट, ऐसे रेडिकल जजमेंट्स आए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था अगर ये जजमेंट नहीं आता। और इस जजमेंट ने किस तरीके के चेंजेस लाए और ये कौन सा जजमेंट है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड जजमेंट के बारे में, जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के जजमेंट भी कहलाता है। जजमेंट का नाम देख लेते हैं क्या है। जजमेंट का नाम है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 का जजमेंट है ये पार्ट वन है जजमेंट का, आप एक तरीके से कह सकते हैं। और इस जजमेंट, ये इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी से स्टार्ट हुआ एक क्वेश्चन ऑफ लॉ था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या नहीं है, या फिर ये आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आया। ये क्वेश्चन ऑफ, ये बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ था जो इस जजमेंट में डिसाइड किया गया। इसके ऊपर कोर्ट ने अपना एक रेशियो दिया जिसके बेसिस पे फर्दर बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में हुए। इस जजमेंट की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो क्या है, ये एक 9 जजेस बेंच का जजमेंट है और इन 9 जजेस बेंच के जजमेंट में यूनानिमस जजमेंट आया और सारे ही जजेस ने बोला कि इट इज राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है और एक बिगर स्कीम का पार्ट है। अगर हम बात करें, इट इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इट इज पार्ट ऑफ द गोल्डन थ्रेड और द पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल विच कंप्राइजेस ऑफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14। तो ये उन सब का कॉम्बिनेशन है और उनके कॉम्बिनेशन के साथ हम क्या बोल सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी इंक्लूडेड है एंड राइट टू प्राइवेसी इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, अगर आप देखें तो इसमें 6 कॉन्करेंट जजमेंट्स आए थे। 6 कॉन्करेंट जजमेंट्स का मतलब है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने लिए जजमेंट लिखा और उनके साथ कॉन्कर किया 4 और जजेस ने, उसमें चीफ जस्टिस भी थे उस टाइम के, जस्टिस के एस खेर साहब, और उनके अलावा इस जजमेंट के अलावा 5 और जजमेंट्स आए थे। 5 जजमेंट्स में सारे इंडिविजुअल जजमेंट्स आए थे, तो टोटल अगर आप देखें इस मैटर में 6 जजमेंट्स आए थे, 6 कॉन्करेंट जजमेंट्स थे। और उन सब का एंड रिजल्ट या जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें नेक्स्ट, तो जजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द माइलस्टोन इन द ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग को इसने एक नया माइलस्टोन दिया, एक नया नए मुकाम पर पे लेकर के गया, जिसके बाद से आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की मीनिंग को और स्ट्रेच किया, लिबर्टी को और स्ट्रेच किया, पर्सनल लिबर्टी की मीनिंग को वो एक्सटेंशन दिया कि जो पॉसिबल नहीं था इस जजमेंट के आने से पहले तक। तो इस जजमेंट को हम एक माइलस्टोन की तरह देख सकते हैं कि कैसे इस जजमेंट ने एक डिफरेंट मीनिंग दी आर्टिकल 21 को और उसमें राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया। हम अगर हाइलाइट्स की बात करें इस जजमेंट की, तो हाइलाइट्स के बाद इसमें हम एनालिसिस करें जजमेंट का। इस जजमेंट में हम आज सिर्फ बात करने वाले हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जजमेंट की, क्योंकि अगर हम बहुत बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं, सारे 5 जजमेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हमें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ आज डीवाई चंद्रचूड़ के जजमेंट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इस जजमेंट को अगर आप देखें तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में किया गया है एंड इतने ब्यूटीफुल वे में ये जजमेंट लिखा गया है, जिस तरीके से एक ब्यूटीफुल बुक लिखी जाती है उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली ये जजमेंट लिखा गया है। और इस जजमेंट को, इस पर्टिकुलर पार्ट को ए से लेकर के टी पार्ट तक उन्होंने डिवाइड किया है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम बात करें ए के बारे में, पार्ट ए के बारे में, तो इसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है राइट टू प्राइवेसी का, पूरा इशू कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों ये केस आया कोर्ट के सामने और क्यों अब ये
डिसाइड करने वाले हैं इस जजमेंट, इस केस के बारे में, इस इश्यू के बारे में। ये सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर ए पार्ट में बताया उन्होंने। नेक्स्ट आप देखें तो बी एंड सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि ये पूरा जो डिस्कॉर्ड है ये स्टार्ट ही हुआ यहां से, एमपी शर्मा जजमेंट से एंड खड़क सिंह जजमेंट से। ये दोनों बहुत ही हाई बेंचेस के जजमेंट हैं, यानी कि एमपी शर्मा की बात करें तो 8 जजेस बेंच का जजमेंट है। इस जजमेंट में ये बोला गया स्पेसिफिकली कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड सिमिलरली इसमें खड़क सिंह जजमेंट में भी जो जजमेंट एप्लीकेबल था, यानी जो मेजोरिटी जजमेंट था, वो भी ये कहता था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब दो हायर बेंचेस के जजमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत ही अर्ली जजमेंट्स थे, यानी कि अगर आप बात करें 57 एंड 68 की, तो ये वो टाइम पीरियड था जो बहुत ही पहले था कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के थोड़े ही समय बाद। फ्यूचर में आप देखिए, अगर अर्ली 2000s में बहुत सारे जजमेंट्स आए, जैसे सहेली वगैरह, इन सारे जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी को एक बेसिस मान करके कोर्ट ने पार्टीज को रेमेडी दी। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन था कोर्ट्स का कि राइट टू प्राइवेसी को हम पार्ट माने या ना माने, लेकिन क्योंकि सब्सिक्वेंट कोर्ट्स ने राइट टू प्राइवेसी को पार्ट माना था, लेकिन वो सब्सिक्वेंट बेंचेस वो स्मॉलर बेंचेस थी, इसलिए एमपी शर्मा या खड़क सिंह के जजमेंट को ओवररूल नहीं कर सकते थे, यानी लॉ चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल देर वॉज अ कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन। अब इस ओपिनियन को बदलने के लिए जरूरत क्या पड़ी, एक हायर बेंच की, क्योंकि एमपी शर्मा 8 जजेस बेंच का जजमेंट था, इसलिए इस पर्टिकुलर इस केस में 9 जजेस की बेंच बनाई गई। और उन्होंने ये क्वेश्चन फिर देखा कि राइट टू प्राइवेसी क्या पार्ट है फंडामेंटल राइट का या नहीं है। अगर आप नेक्स्ट बात करें आरसी कूपर एंड मनिका गांधी जजमेंट की, ये भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं अगर हम फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन या मीनिंग की बात करें, क्योंकि इससे पहले एके गोपालन में आपने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कहा गया कि आइसोलेटेड साइलोज हैं, यानी कि इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग वर्क करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, एक की मीनिंग को दूसरे की मीनिंग के साथ हम नहीं जोड़ सकते, सिमिलरली एक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हम दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते। बट आफ्टर आरसी कूपर एंड मनेका गांधी ये हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे, दे आर पार्ट ऑफ अ सिंगल स्कीम और देयर इज अ गोल्डन थ्रेड दैट रन्स थ्रू आउट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और दे आर पार्ट ऑफ अ गोल्डन ट्रायंगल, ये उसके तीन साइड्स हैं अगर हम आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की बात करें। और इसलिए आर्टिकल 14 की किसी टर्म की मीनिंग निकालने के लिए हम आर्टिकल 21 एंड 19 की हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 एज वेल। सिमिलरली आर्टिकल 21 की मीनिंग को निकालने के लिए या उसके रिस्ट्रिक्शंस की मीनिंग को निकालने के लिए हम आर्टिकल 14 की भी हेल्प ले सकते हैं। इस जजमेंट से, मनेका गांधी जजमेंट की अगर हम बात करें, इससे पहले आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, एक स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन था। वो कहता था कि अगर कोई प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कैसा भी हो, दैट प्रोसीजर इज सफिशियंट इनफ टू टेक अवे दी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। बट इस जजमेंट के बाद ये पोजिशन क्या हुई कि दैट प्रोसीजर नीड्स टू बी अ ड्यू प्रोसेस, और ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। अगर वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ नहीं होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस भी इस जजमेंट में, यानी कि मनेका गांधी की इंपॉर्टेंस पुट्टास्वामी जजमेंट में भी बताई गई, और उसकी भी हेल्प ली गई कि कैसे उन्होंने आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी को खोज निकाला या उसका पार्ट माना। उसमें बहुत बड़ा योगदान या हेल्प मनेका गांधी जजमेंट का भी है, इसलिए इसका भी रेफरेंस इनके जजमेंट में मिलता है। नेक्स्ट इन्होंने बात की ओरिजिन ऑफ प्राइवेसी के बारे में, कि प्राइवेसी का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे हुआ। इसके अंडर उन्होंने बहुत पुराने एक 1600 के यूके के केस के बारे में बात किया, जिसमें एवरी मैन्स इज द किंग ऑफ इज कैसल, ये वर्ड या इस टर्म या इस फ्रेज के बारे में डिस्कशन किया उन्होंने। बोला कि हर इंसान एक ऐसे इनवॉल्यूबल जोन में अपने आप को रखना चाहता है या पसंद करता है जहां पे उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना किया जाए। तो एवरीबडी, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज दैट इनवॉल्यूबल जोन जहां पे उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए। स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन दैट इनवॉल्यूबल जोन, और वही इनवॉल्यूबल जोन ही क्या है, राइट टू प्राइवेसी। इस तरीके का डिस्कशन यहाँ पे
देख जजमेंट में देखने को मिलता है। तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेसी कहाँ से है या इसका डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ इन द कोर्स ऑफ लॉ, ये सारा आपको इस पार्ट में यानी कि दैट इज पार्ट एफ में आपको देखने को मिलेगा इस जजमेंट के। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में और अदर प्रोविजंस में कहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या कहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइवेसी को हम खोज सकते हैं, ये डिस्कशन इसमें किया गया है। एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें कंपैरेटिव लॉ ऑन प्राइवेसी के बारे में। कंपैरेटिव लॉ में इस पार्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने डिस्कशन किया है कि यूके में, यूएस में, फ्रांस में और अदर कंट्रीज में, अदर जुरिस्डिक्शंस में प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ क्या है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ क्या है, और इनके बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया इस पार्ट में। कोई भी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस में इंटरेस्ट रखता हो और अदर जुरिस्डिक्शंस के लॉस में कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहता हो, दिस पार्ट इज वेरी हेल्पफुल, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड एट लीस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कम से कम एक बार आपको ये जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। एंड अगर आप ये जजमेंट पढ़ते हैं, बिलीव मी, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो उसका जुरिस्प्रूडेंस है, उसके बारे में आप इजीली सीख सकते हैं। एंड यू कैन ट्रेस दी ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टिल इट्स डेवलपमेंट टिल डेट, ये इतना चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कंक्लूजन में, कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, इसका एस्पेक्ट क्या क्या है अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हम वो पैराग्राफ देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड यानी उसकी मीनिंग को, उसकी उसकी एक तरीके की डेफिनेशन को, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई, और उस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर स्पेसिफिक मैं पैराग्राफ की बात करूं, पार्ट टी यानी कंक्लूजन पार्ट के पैरा थ्री में एफ सब पार्ट में अगर आप देखें, एंड स्पेसिफिकली पेज नंबर 263 पे है ये, इसमें आप देखें इसमें लिखा गया है प्राइवेसी इंक्लूड्स एट इट्स कोर द प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसीज, द सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, द होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये वर्ड जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके बाद यानी इस इंटरप्रिटेशन के बाद बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, इंडिविजुअलिटी से, पर्सनल लिबर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड थे। एंड ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन को राइट टू प्राइवेसी का पार्ट मानने से एक क्या हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट आया। इसके अलावा कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक एक तरीके का एग्जाम्पल है, प्राइवेसी में वो हर चीज आ सकती है फ्यूचर में, जो ये कैपेसिटी रखती है कि आप उसको ऑर्डर्ड लिबर्टी या लिबर्टी का पार्ट मान सकते हैं। अगर वो चीज एक, अगर आप कंबाइन इंटरप्रिटेशन करें आर्टिकल 21, 19 एंड 14 का, जिसके अंदर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज भी एस्पेक्ट है लिबर्टी का, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी, तो आप प्राइवेसी की मीनिंग को इसमें डाल सकते हैं, यानी वो नई चीज को भी आप प्राइवेसी की मीनिंग में समझ सकते हैं। जैसे राइट टू हैव फूड ऑफ हिज ओन चॉइस, राइट टू वियर क्लोथ्स ऑफ ओन चॉइस, ये सारी चीजें भी प्राइवेसी का पार्ट है। दैट हैज बीन इंक्लूडेड लेटर बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी के अंदर। तो इस तरीके से इस जजमेंट के बाद बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारे नई मीनिंग दी गई राइट टू प्राइवेसी को। अब इसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली, इसके अगर बारे में हम बात करें तो आप देखिए नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट आया, जिसका क्रक्स या जिसका बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है, फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन विच इज राइट विच इज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं आता कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पार्ट ऑफ प्राइवेसी या इज पार्ट ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, तो शायद नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट ये नहीं होता और सेक्शन 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन नहीं हो पाता अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं होता। सिमिलरली अगर ये इंटरप्रिटेशन इंडिविजुअलिटी का नहीं आता तो जोसेफ शाइन जजमेंट नहीं आता और सेक्शन 495 डिक्रिमिनलाइज नहीं होता, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर करते सेक्शन 495 को, अगर हम इंडिविजुअलिटी को राइट, इंडिविजुअलिटी के राइट को पार्ट नहीं मानते राइट टू प्राइवेसी का। क्योंकि वुमेन की भी अपनी इंडिविजुअलिटी है एंड शी हैज दैट राइट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनीवन शी विशेस, वेदर
दैट पर्सन वुड बी हर हस्बैंड और समवन एल्स, ये उसका राइट है एंड इट इज द राइट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसलिए हमने जोसेफ साइन का जजमेंट दिया, यानी जोसेफ साइन का जजमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा भी इसके बाद भी बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आए जिसमें राइट टू प्राइवेसी फॉर्म द क्रूशियल पार्ट, या राइट टू प्राइवेसी के बेसिस पे ही वो इंटरप्रिटेशन दे पाना पॉसिबल हुआ। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट ही नहीं है, ये एक माइलस्टोन है ये बताने के लिए कि राइट टू प्राइवेसी या आर्टिकल 21 की मीनिंग को कितना ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है, कितना ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है, और कितना ज्यादा रेडिकल रैशनल एक्सपेंशन किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू द टू डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ जस्टिस प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को जस्टिस देने के लिए कोर्ट्स कितना लिमिट तक जा सकती हैं, कितना एक्सपैंड कर सकती हैं इसकी मीनिंग, ये जजमेंट एक एग्जाम्पल है। और इस जजमेंट के बाद जितना ज्यादा रैशनल या रेडिकल चेंज आया है, मुझे नहीं लगता कि वो चेंज पॉसिबल हो पाता अगर ये जजमेंट नहीं होता तो। एंड ये जजमेंट की वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि कितना अच्छी तरीके से और लॉस का डेवलपमेंट हो रहा है, बी इट क्रिमिनल लॉ और दी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।